हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आल ऑफ यू दिस इज़ पूजा एंड टुडे बैक विथ पार्ट सेकंड ऑफ़ इकोनॉमिक बॉटनी पार्ट फर्स्ट में हम सभी लोगों ने मेडिसिनल प्लांट के बारे में पढ़ लिया था आई होप आप सभी ने उन्हें याद कर लिया होगा इस पार्ट में देखेंगे कि इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत ऐसे प्लांट्स जिनसे हम बेवरेजेस ऑप आप, करते हैं या फिर स्पाइसिस को ऑप्टेन करते हैं या फिर अदर यूजफुल सब्सटेंस या एल्केलाइड्स को ऑप्टेन करते हैं किन किन प्लांट के पार्ट से ऑप्टेन करते हैं और ये प्लांट किस फैमिली से बिलोंग करते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे यहाँ से भी आपको सभी कंपटीटिव एग्जाम में दो से तीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्लियर सो लेट्स नाउ मैस्टी गेटोरियस प्लांट लेफ्ट साइड राइट डाउन कॉमन नेम एंड दिस इज़ बोटेनिकल नेम एंड दिस इज यूजफुल पार्ट्स ऑफ प्लांट फर्स्ट इज टी टी से हम लोग कैफीन ऑप्टेंड करते हैं टी का बोटेनिकल नेम है कैमेलिया साइनेंसिस और थिया साइनेंसिस एंड ये थियासी फैमिली से बिलोंग करता है और इसकी लीप्स को यूज करते हैं ठीक है एंड कॉफी प्लांट से कैफीन को ऑपटेन करते हैं इसका बोटेनिकल नेम कॉफिया अरेबिका है फैमिली रोवेसी से बिलोंग करता है और कैफीन को हम लोग सीड से ऑप्टेन करते हैं ठीक है कॉफिया रेविका के प्लांट के सीड से कैफीन को ऑप्टेन करते हैं एंड थर्ड इज कोका जिसे जिससे हम लोग थियोब्रीन ऑप्टेन करते हैं और बोटेनिकल नेम थियोब्रोमा कोका है फैमिली कुलेसी है और सीड से कोका को ऑप्टेन करते हैं ठीक कोका एक नॉन एल्कोहलिक बेवरेज भी है टोबेको टोबेको से निकोटीन ऑप्टेन करते हैं इसका बोटेनिकल नेम निकोटीना निकोटियाना टैव्यूकम एंड ये फैमिली सोलेनेसी से बिलोंग करता है और इसकी लीव्स को यूज़ करते हैं एंड हेम्प हेम्प से भांग गांजा चरस और हसीस को ऑप्टेन करते हैं इसका बोटेनिकल नेम कैनावनिसटाइवा है और ये फैमिली कैनाविनेसी से बिलोंग करता है एंड इसका लीव्स को यूज़ करते हैं इनफ्लोरिस या फिर फीमेल फ्लावर को यूज़ करते हैं क्लियर एवरी वन जो बेवरेजेस हैं वो दो टाइप्स के हैं नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस में टी कॉफ़ी कोका कोला ये सभी आते हैं और एल्कोहलिक बेवरेजेस में दो टाइप्स के होके होते हैं नॉन डिस्टिलेटेड एंड डिस्टिलेटेड नॉन डिस्टिलेटेड में हमारी बियर और वाइन आती है क्लियर वीअर और वाइन जो है ये नॉन डिस्टिलेटेड है दैट मीन्स इसमें आ, फर्दर जो है वाटर को आ, जो है रिमूव नहीं किया जाता है या इसे आ, डिस्टिलेट नहीं किया जाता है ठीक है और जो ब्रांडी और रम होती है ठीक है इसे फर्दर डिस्टिलइट किया जाता है इसमें अल्कोहल का परसेंटेज बहुत अधिक देखने को मिलेगा और इसमें अल्कोहल का परसेंटेज बहुत कम होता है ठीक एंड जो नॉन एल्कोहलिक हैं इसमें टी टी का भी बॉटेनिकल नेम बताया कि कैमेलिया सैनिस या फिर थिया साइनन्स है और कॉफ़ी का बॉटनिकल नेम कॉफिया अरेबिका है ठीक है कॉफी से कैफ कैफीन को ऑप्टेन करते हैं एंड थ्री इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ब्लैक टी ब्लैक टी जो होती है वो फर्मेंटेटेड होती है ठीक और जो ग्रेन टी है वो नॉन फर्मेंटेटेड एंड एल्कलॉइड्स जो होते हैं वो टैनन्स या फिर थैनिन होते हैं उसके बाद यहाँ पर सम अदर्स प्लांट्स के नेम है और इनसे हम यूजफुल सीड्स या लीफ को ऑप्टेन करते हैं लाइक दिस एरे एरेका नट जिसे हम सुपारी भी कहते हैं एंड का कैटेचू इसका बोटेनिकल नेम है यह फैमिली एरेकेसी से बिलोंग करता है इसका यूजफुल पार्ट जो है यह होल सीड होता है जिसे हम नट भी कहते हैं ठीक एंड वेटल बोटेनिकल नेम पाइपर वेटल एंड पापरेसी फैमिली से बिलोंग करता इसकी है इसकी लीव्स को यूज़ करते हैं कैटेचू कैथा जिसे कहते हैं इसका बॉटेनिकल नाम एक्सिया कैटेचू है ये ममोसी फैमिली से बिलोंग करता है और इससे टेनिन को ऑपटेन करते हैं फ्रॉम बार्क ठीक है प्लांट की बार्क से टेनिन को ऑपटेन करते हैं एंड लास्ट इज ऑपियम जिससे हम लोग ऑफियम ऑपटेन करते हैं ये फैमिली इसका बोटेनिकल नेम पापावर सोमनी फेरम है और यह फैमिली पापावेसी पापा फैमिली से बिलोंग करता है और इसके होल अनराइप कैप्सूल को यूज़ करते हैं ठीक है अफीम को ऑप्टेन करने के लिए और जो हमारा पापावर सोमनी फेरम प्लांट है और इसका होल अनराइप कैप्सूल को यूज़ करते हैं एंड नेक्स्ट देखेंगे कि शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट कौन कौन से हैं ऐसे प्लांट जिनसे हम शुगर ऑप्टेन करते हैं ठीक है तो सबसे फर्स्ट है जिससे हम बहुत लार्ज स्केल पर शुगर को ऑप्टेन करते हैं वो है शुगर केन ठीक है वो है क्या शुगर केन शुगर केन का बोटेनिकल नेम है सैक्रम ऑफिसी नेरम ठीक है ये फैमिली पोएसी से बिलोंग करता है और इसके स्टेम इस से या फिर हाँ इस टाइम से शुगर को ऑप्टेन किया जाता है ठीक एंड शुगर बीट जिसे हम चुकंदर कहते हैं ये इसका बॉटेनिकल नेम बीटा बुलगेरिस है ये फैमिली चीनू पोडेसी से बिलोंग करता है एंड जो शुगर को ऑप्टेन करते हैं वो इसकी रूट से ठीक है जो हमारा चुकंदर फ्रूट है उसी से ऑप्टेन करते हैं एंड नेक्स्ट इज शुगर पाम शुगर पाम का बोटेनिकल नेम सेल सेलवेस्ट्रिस है एंड शुगर मेपल से एसर साइक्रम कहते हैं फिफ्थ इज फॉर्म कोटो यूरेंस जिसका बॉटेनिकल नेम है एंड नेक्स्ट इज कोकोनट कोकस न्यूसीफेरस इन प्लांटों से भी शुगर को अपटेन किया जाता है एंड दिस इज स्पाइसिस ठीक है यहाँ से मसाले के रूप में हम इन प्लांट्स को या इन प्लांट्स के यूजफुल पार्ट्स को यूज़ करते हैं लाइक जिंजर जो जिंजर प्लांट है इसका बोटेनिकल नेम जिंजीवर ऑफिसी नेल है ठीक है इसके हम राइजोम को यूज़ करते हैं जो अंडरग्राउंड इसका स्टेम होता है राइजोम इसे यूज़ करते हैं एंड टर्मेरिक टर्मेरिक को बोटेनिकल नेम कुरकुमा लौंगा है इसका भी राइजोम यूज़ करते हैं जो कि ये स्टेम होता है ठीक और कॉर्डामम, जिसे हम इलायची कहते हैं इसका बोटेनिकल नेम इलाटोरिया कॉर्डा है ये इलायची के सीड्स को यूज़ करते हैं एंड एमोमम जिसे हम बड़ी इलायची कहते हैं एमोमम सुबुलाटम इसका बोटैनिकल नेम है और ये इसके भी सीड्स को यूज़ किया जाता है मसाले के रूप में ठीक और दीज आर प्लांट्स बिलोंग फ्रॉम फैमिली जिंजर बेसी ठीक है जिंजर बेसी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ से भी बहुत सारे कम्पटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शुगर वीट से ये सभी जो फैमिली लिखी है ये इन फैमिली से मसाले वाले जो यूजफुल पार्ट्स होते हैं मसाले अपटेन किया जाते हैं ठीक ये सभी मसाले ही हैं मोस्ट ऑफ जो रेसिपी बनाते हैं या जो स्पाइसेस हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है ऐसा फोटिडा जिसे हम हींग कहते हैं इसका बोटेनिकल नेम फेरुला ऐसा फोटिडा है और ये जो इसके रूट्स को रूट से हींग को निकाला जाता है ठीक एंड कोरिएंडर जिसे धनिया कहते हैं यह कोरड्रम सेटाइवम इसका बोटेनिकल नेम है एंड इसके फ्रूट और ग्रीन लीव्स को यूज़ करते हैं नेक्स्ट इस क्यूमिन जिसे हम जीरा कहते हैं इसका बोटेनिकल नेम क्यूमिनम साइमिनम है और इसका भी होल फ्रूट यूज़ करते हैं एंड नेक्स्ट फैनल जिसे सौफ कहते हैं बॉटेनिकल नेम फोइनिक्यूलम वोलगेरी एंड नेक्स्ट इज़ एमी जिसे अजवाइन कहते हैं टैकी टैक्सपोर्मम ओमिम ठीक है इसका भी होल फ्रूट यूज़ करते हैं एंड नेक्स्ट फैमिली इज़ लॉरेसी लॉरेसी में मैनली दो यहाँ पर राइट डाउन किए हैं प्लांट्स के नेम एक आपका सिन, सीनामोन जिसे हम दालचीनी कहते हैं एंड कैसी जो तेजपात होते हैं इन्हें भी हम इस्पाइसिस के रूप में यूज़ करते हैं नेक्स्ट फैमिली इैकेडेसी वनीला जिसे वेनिला uh, फ्रेग्रेंस इसका बोटेनिकल नेम है इसके होल फ्रूट पार्ट को यूज़ करते हैं एंड फिफ्थ फैमिली मर्टेसी जिसके अंतर्गत क्लो लॉन्ग जिसे कहते हैं इसका बॉटेनिकल नेम साइजिजियम ओरामेटिकम है फ्लोरल बर्ड को यूज़ किया जाता है ठीक है दिस इज प्लांट इज ऑयल ऑयल प्लांट्स इन प्लांट्स से हम ऑयल को ऑप्टेन करते हैं ठीक है लाइक like यहाँ पे टू टाइप्स के ऑयल ऑप्टेन होंगे जो फैटी ऑयल्स होंगे और इसेंशियल ऑयल्स होंगे ठीक है फैटी ऑयल्स के अंतर्गत जो है सीड से ही अपटेन करते हैं जो फैटी ऑयल्स होते हैं ये अगर इन्हें ओपन एयर में छोड़ दिया जाए तो ये आ, जो है मॉइस्चर को एबजॉर्व कर लेते हैं क्लियर एंड जो इसेंशियल ऑयल्स हैं ये कलरलेस होते हैं सेंटेड होते हैं या फिर वोलाटाइल होते हैं या जो है इन्वायरमेंट ये इन्वायरमेंट में ये या एयर के कांटेक्ट में आने पर इवापोरेट हो जाते हैं ठीक है वास्पीकरण इनका हो जाता जिसे, आ, है जैसे कैम्फर है ठीक है नेक्स्ट स्लाइड पे इसेंशियल ऑयल्स के नेम देखेंगे अभी बात करते हैं कि जो फैटी ऑयल्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और किन किन प्लांट से ऑप्टेन किए जाते हैं सो फर्स्ट इज़ ड्राइंग ऑयल्स ठीक ड्राइंग ऑयल्स जो होते हैं वो लिंस लिंसिड ऑयल्स हैं ठीक है सोयाबीन ऑयल्स है वॉलट ऑयल्स है और इनके फैमिली के नेम और साथ साथ आपको इनका बोटेनिकल नेम भी याद रखना है और इन्हें सीड से ऑप्टेन करते हैं क्लियर एंड नेक्स्ट इज सेमी ड्राइंग ऑयल्स जो सेमी ड्राइंग ऑयल्स है वो सनफ्लावर ऑयल जिसे हेलिथस एनस कहते हैं कॉर्म जर्म ऑयल जो जिया मिर्ज़ के इम्रियो से ऑप्टेन किया जाता है एंड नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो लोग जो ऑयल्स हम सभी लोग डेली यूज़ करते हैं मोस्टर्ड ऑयल ठीक है ब्रे ब्रेसिका कम्पेस्टिस बोटेनिकल नेम है और फैमिली ब्रेसिकेसी से बिलोंग करता है ऑयल के साथ साथ मोस्टर्ड प्लांट से या ब्रेसिकेसी कम्पेस्टिस प्लांट से सिनग्रीन को ऑप्टेन करते हैं जिसके कारण उसमें स्मेल जो है हमें मस्टर्ड ऑयल में एक अलग से अलग टाइप की स्मेल आती रहती है क्लियर एंड सीसेम सीसेम ऑयल या फिर जो तिल से ऑयल को ऑप्टेन करते हैं क्लियर एंड नेक्स्ट इज नॉन ड्राइंग ऑयल्स ठीक है कैस्टर ऑयल और ग्राउंड नट ऑयल एंड ऑलिव ऑयल ये ये जो नॉन ड्राइंग ऑयल्स हैं ठीक है ये इनकी फैमिली और इनके सीड से अपटैन करते हैं ये यहाँ पर आप इसको राइट डाउन कर लीजिए एंड नेक्स्ट इज़ वेजिटेबल फैट्स ठीक है जो कोकोनट ऑयल है पाम ऑयल है एंड कोका बटर है ये वेजिटेबल्स फैट होते हैं दैट मीन्स इन्हें हम वनस्पति घी कहते हैं इनसे वनस्पति घी को ऑप्टेन किया जाता है तो ये भी क्या होते हैं फैट ही होते हैं तो इनके यहाँ जो बॉटेनिकल नेम है और दिस इज फैमिली और ये इनका पार्ट है जिससे हम लोग ऑप्टेन करते हैं क्लियर एंड इसेंशियल ऑयल्स जो जासमीन ऑयल है ठीक है इसेंशियल ऑयल के अंतर्गत जासमीन ऑयल जैसे जूही एंड चमेली के ऑयल हैं ये फैमिली ओलेसी से बिलोंग करता है ठीक ये इसका बोटेनिकल नेम है जासमिनम और क्यूलेटम एंड कैम्फर जिसे कपूर कहते हैं सिन, सिना सिनामोम कैम्फोरा प्लांट से इसे ऑप्टेन किया जाता है एंड लॉरेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है और मोस्टली वुड पार्ट को यूज किया जाता है ठीक इसका एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है इसकी लीव्स या फिर वुड से फिर उस एक्सट्रैक्ट को फिल्टर कर लिया जाता है और वहाँ पे वाइट कलर का जो मिक्सचर ऑप्टेन किया जाता है उसे विद द मशीनरी प्रोसेस से जो है कैम्फर को जो प्योर कैम्फर को ऑप्टेन कर लिया जाता है ठीक है जिसे हम लोग कपूर कहते हैं एंड नेक्स्ट इज सैंड सैंडल ऑयल या जो इस चंदन ऑयल जो कि सेंटलम एल्बम से ऑप्टेन किया जाता है ये फैमिली सेंटलेसी से बिलोंग करता है एंड लास्ट इज़ लवेंडर आयल जो कि लेमेंड्रोला एफ से ऑप्टेन किया जाता है और फैमिली लेवेटी है इसका फ्लावर पार्ट को यूज़ किया जाता है एंड नेक्स्ट इज़ क्लो आयल ये भी एक इसेंशियल आयल है एंड लेमन ग्रास आयल जो लेमन ग्रास ऑयल होती है इससे भी हम लोग ऑयल को ऑप्टेन करते हैं ये फैमिली ग्रेमनी से बिलोंग करता है ठीक और जो लेमन ग्रास ऑयल है इसका यूज़ हम एरोमा थेरेपी में यूज़ करते हैं इसे एंड नेक्स्ट इज सीडार उड ऑयल जो जूनी पेरस वर्जीनाना प्लांट से इसको ऑप्टेन किया जाता है ये फैमिली कैप्रेसी से बिलोंग करता है ठीक है इसकी उड को हार्ट उड भी कहते हैं एंड नेक्स्ट इज रोज आयल ठीक है जो रोज आयल है इसे रोजा डेमोसेंसा डेमोसना डेमोसेना से ऑप्टेन करते हैं यह फैमिली रोजेसी से बिलोंग करता है एंड नेचुरल डाइज जो नेचुरल डाइज हैं वो यहाँ पे कुछ सम पॉइंट्स डाउन किए हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्टिफिशियल डाई के बारे में भी पढ़ेंगे जो इनआरगेनिक या फिर अलग मशीनरी के थ्रू ऑप्टेन किया जाते हैं ठीक तो कुछ डाई हैं जो हम प्लांट से अपटैन करते हैं और कुछ ऐसी डाई है जो हम एनिमल्स से भी ऑप्टेन करते हैं तो दीज आर डाइज इज नेचुरल डाइज डाइज और कलर्स ड्राइव फ्रॉम प्लांट्स या फिर इन्वर्टिव और मिनरल्स ठीक है हम इन्वर्टिव या फिर मिनरल फॉर्म से भी जो कुछ डाइज ऑप्टेन करते हैं वो सारी नेचुरल डाइज होती हैं मेजोरिटी सोर्स जो डाइज का है वो रूट है वेरीज या फिर प्लांट की बार्क लीव्स एंड उड को यूज़ करते हैं एंड अदर सोर्स में जो फंजाई और लाइकेन है यहाँ से भी हम डाई को ऑप्टेन करते हैं जब हमें सभी लोग बॉटनी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे जब फंजाई और लाइकेन का टॉपिक आएगा तो वहाँ पे बताएंगे कि फंजाई से और लाइकेन से कौन कौन सी नेचुरल डाई को ऑप्टेन करते हैं एंड एनिमल डाई ये एक अर्थरोपोर्स का एनिमल्स है ठीक है ऑर्गेनिज्म है जो कोकेनियल डाई को ऑप्टेन करते हैं ये रेड ऑरेंज कलर की होती है और यह कोकोनियल बग से ऑप्टेन की जाती है क्लियर आई होप यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और डेफ़िनेटली आल कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में लाइक पी जी टी के बी एस एंड यू पी एस सी के या फिर नीट बहुत सारे एग्जाम्स में आपको यहाँ से डेफिनेटली दो से तीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आप इन्हें साथ से राइट डाउन कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टिल देन बाय बाय टेक केयर